हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के ऑल इन वन चैनल में। आज हम आपको गर्मा गर्म कांदा भजिया की रेसिपी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो खाने में बहुत ही टेस्टी स्पाइसी, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा, इतने टेस्टी और स्पाइसी ये भजिया है। इसे कोई पकौड़े भी बोलते हैं। तो देखते हैं कांदा भजिया की रेसिपी। फ्रेंड्स, कांदा भजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। ये नॉर्मल बेसन है जो हमारे घरों में आमतौर पर होता है। और साथ में मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। लगभग 4 हरी मिर्च मैंने ऐसे ही रखी है, इसे सिर्फ साइड से कट किया है। इस तरीके से इनको टुकड़े नहीं करना है, हम इसके मिर्ची पकौड़े बनाएंगे। थोड़ा हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून फुल नमक लिया। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। और लगभग 7 से 8 हरी मिर्च, तीखी वाली हरी मिर्च लिए मैंने यहाँ पर, बारीक कट कर ली। उसे भजिए में इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हम बेसन में पानी डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी गाढ़ी पेस्ट करना है, एकदम पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमारे बेसन की पेस्ट इस तरीके से रेडी हो चुकी है। हमें गाढ़ी पेस्ट चाहिए, एकदम पतली नहीं चाहिए। अब हम इसमें मसाले मिक्स कर लेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। हरी मिर्च, सौंफ, हरा धनिया और प्याज। ये कांदा भजिया है, इसमें प्याज ज़्यादा डालोगे तो ही टेस्ट बढ़िया आएगा। इसी के साथ में हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। अखा जीरा लिया है मैंने यहाँ पे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है पकौड़े के लिए। यह कांदा भजिया भी बोलते हैं, इसे पकौड़े भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बारिश के दिन में गर्मा गर्म भजिए के तो मज़ा ही अलग है। हाँ तो फ्रेंड्स, पकौड़े बनाने के लिए हमने ये जो पेस्ट रेडी किया है, अब हम इसमें इतना सा, बिल्कुल 1 चुटकी इतना मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मिर्ची की पकौड़ी बनाने के लिए, मैंने यहाँ मिर्ची को कट मारा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे, अच्छे से नमक को फैला लेंगे इस तरह से और इसे बंद कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी मिर्ची में भी कर लेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए हमने मिर्ची को इस तरह से इस बेसन के घोल में डिप कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसका पकौड़े में गर्म ऑयल में डालेंगे। मैंने यहाँ ऑयल गर्म करके रखा था इस तरीके से। इस तरह हम बिना मिर्ची वाले भी कर लेंगे, कांदा भजिया भी कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म कांदा भजिया मिर्ची भजिया बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर आ चुका है। वाह, एकदम स्पाइसी टेस्टी। बारिश के दिन में गर्म गर्म भजिया का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों, गर्मा गर्म भजिया खाइए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मार्केट में देते हैं, सेम वैसी ही टेस्ट आपको इस भजिए में आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।